हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, वाई एग्जाम बी के इस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल एग्री बी पर आप सबका स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने टारगेट IBPS AFO 2022 यानी कि जो दिसंबर में इसका एग्जाम होगा उसके लिए हमने अभी से ये सीरीज यहाँ पर चला दी है। इसमें एक रीजनिंग और एक क्वांट की वीडियो आपको पहले ही मिल चुकी है। तो ये सीरीज कम्प्लीटली हम लोगों ने चलाई है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोज, ये पूरी सीरीज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। अगर आपने प्रीवियस दो वीडियोज नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। टारगेट AFO 2022 के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें जो भी वीडियोस रहेंगे वो पूरी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये पूरी सीरीज, अगर आप टारगेट कर रहे हैं इस बार IBPS AFO एग्जाम को, जो कि दिसंबर में होने वाला है, राइट। तो इसमें रीजनिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है और हर साल देखने को ही मिलते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जाम में भी ये देखने को मिली थी, ठीक है। तो हर एग्जाम में, हर किसी ईयर में ये 5 मार्क्स के आपको देखने को मिलती है। तो इनइक्वालिटी आती है या फिर कोडेड इनइक्वालिटी आती है। आजकल कोडेड इनइक्वालिटी ज्यादा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक शॉर्ट ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन होता है इसमें, उसके बेसिस पर आपको एक टेबल बनाना होता है और उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको 2 सेट लेकर आया हूं आपके लिए। तो एक सेट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक सेट आपको खुद सॉल्व करना है। वो कहाँ आपको मिलेगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों पहले देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका और क्या इसके लिए टिप्स है, पहले वो देखते हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, पहले ही समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे आपको आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू के इस तरह से दिया है, यानी कि ये जो साइंस है ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिए गए, राइट। तो ये हो गया सिंपल इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होगा, आपको ये साइन ना देके वो क्या देंगे, इनकी जगह कुछ सिंबल्स देंगे, कुछ क्या देंगे, सिंबल्स देंगे। जैसे एट द रेट दे दिए, हैश दे दिए, परसेंटेज दे दिए, और हर एक सिंबल को जो भी वो देंगे उनको वो एक अलग से डिफाइन करेंगे। कि जैसे एट द रेट है, ए एट द रेट बी है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, इस तरीके से वो आपको इसमें क्या करेंगे, हिंट देंगे एक तरीके से, जो सिंबल्स होंगे इनको डिफाइन करेंगे कि इस सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमारी कोडेड इनइक्वालिटी होती है, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए इसमें क्या ट्रिप टिप हो सकती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट, तो मैंने समझा दिया आपको कि क्या है। तो इसमें देखो 2 तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या कहता है कि जैसे आपको कोई कोड दिया, मानो एट द रेट ए एट द रेट बी दिया, ठीक है, और इसका मतलब दिया स्मॉलर वाला, जो मैंने आपको भी बताया था कि ए इज स्मॉलर देन बी, और ए परसेंटेज बी का मतलब इन्होंने दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी ना, इस तरीके से मानो उन्होंने दिए। और एक इक्वेशन आपको दे दी कि जे एट द रेट के परसेंटेज एन, ठीक है। तो बेसिक तरीका इसका क्या है, बेसिक तरीके में आप क्या करो कि आप सीधा सीधा क्या करो, साइन का रिप्लेसमेंट कर दो। जैसे कि स्मॉलर था तो इसमें आप स्मॉलर लिख दो, ठीक है। यहां पर ये क्या था, परसेंटेज था, तो ये ग्रेटर था तो ग्रेटर लगा दो। हालांकि ये इक्वेशन में 3 ही वेरिएबल है, लेकिन काफी सारी लंबी लंबी इक्वेशन होती है और हर क्वेश्चन की अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप अगर इसको रिप्लेस करेंगे बार बार सिंबल्स से, सिंबल्स को उनके बेसिक साइन से रिप्लेस करेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और इसमें एरर के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि बार बार साइन रिप्लेस करने में हो सकता है कई बार आप ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन लगा बैठे, तो वहां पर आपकी गलती हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा उसका, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड है, इसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए हम साइन से ही खेलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स मेथड यूज करना है, बॉक्स मेथड। इस बॉक्स मेथड में क्या है, आपको मैं एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो बॉक्स मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिक मेथड आप समझ गए कि आप साइन को रिप्लेस करके कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स मेथड क्या है वो भी देखते हैं। देखो जब मानो ये इस तरीके से इसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है क्वेश्चन से पहले, और इसके बेसिस पर 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन होते हैं आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे कोई ये है, तो इसमें हैश है, डॉलर है, एट द रेट है, और ये डॉलर साइन। तो अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप क्या करोगे, सब में रिप्लेस करोगे पहले साइन, फिर उसको सॉल्व करोगे,
थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो बिल्कुल ईजी है और विद इन सेकेंड्स आप उसको कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहले इसका बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखिए ये यहाँ पर और ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर और लेस देन साइन यहाँ पर। ठीक है, अच्छा प्रायोरिटीज आप समझते हैं, प्रायोरिटीज प्रायर किसको रखते हैं, प्रायर क्या चीज होती है, जो चीज पहले रखी जाए, जो चीज ज्यादा पूछ में हो, है ना। तो अगर कहीं पर हमें ये तीनों साइन मिलते हैं, मान लीजिए कहीं पर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन साइन मिला दो चीजों के बीच में, ए और बी के बीच में ये तीनों साइन मिले, मान लीजिए कि पहुंच पा रहे हैं, तो इनमें से किस साइन को आप पुट करेंगे एज एन आंसर, तो इसमें से हम किसको पुट करेंगे, ग्रेटर देन साइन को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर ये दोनों साइन मिलते हैं तो आप इस साइन को पुट करेंगे, अगर आपको ये दोनों साइन मिलते हैं तो आप इस साइन को पुट करेंगे, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। ऐसा ही लेस देन में इक्वल्स टू, लेस ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल टू और लेस देन, इनमें अगर तीनों साइन मिलते हैं तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, ये दोनों मिलते हैं तब भी इसकी ज्यादा, अगर ये दोनों मिलते हैं तो इसकी ज्यादा, यानी कि इस वाले को पुट किया जाए। ये हो गया प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसका बॉक्स बनाने की तरफ, तो ये इसका बॉक्स देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है एक्स परसेंटेज वाई, मीन्स एक्स इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तीन चीजें होती हैं ग्रेटर इक्वल और लेस, तो ये कह रहे हैं कि नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो क्या हुआ, स्मॉलर हुआ। अगर कोई चीज ना ही ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है, सॉरी ना ही इक्वल है, तो वो स्मॉलर हो गई, तो स्मॉलर यानी कि परसेंटेज डिनोट कर रहा है स्मॉलर देन साइन। ठीक है, तो यहां पर हमने परसेंटेज लिख दिया। ऐसे ही बाकी देखें, डॉलर साइन का क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू वाई, इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन ये रहा हमारे पास, तो यहां पर हम डॉलर साइन। नेक्स्ट एक्स हैश वाई मीन्स एक्स इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू वाई, ग्रेटर इक्वल टू है कौन, हैश। ठीक है, नेक्स्ट एक्स एट द रेट वाई मीन्स एक्स इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो क्या होगा, ग्रेटर हो गया, ना छोटा है ना बराबर है, तो क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो ये हमारा एट द रेट। आगे चले, एक्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है, उसके बाद एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमारे इसकी टेबल बन गई, ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब किस तरीके से इस बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें अप्रोच लगाएंगे, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, तो एक बार इसको यहां पर बना लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉलर, आपको तो ये एक ही बार बनाना है जब आप सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर मुझे दो बार बनाने पड़ने हैं क्योंकि ये कॉपी नहीं। ठीक है, ये हमारे साइंस। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन करने पे, ये बॉक्स हमारा हो गया कंप्लीट। तो क्या है, हमें पहले कहां पर जाना है, देखो अभी इसको छोड़ो, स्टेटमेंट को पहले कंक्लूजन को देखो, कंक्लूजन क्या कहता है, हमें एन से डब्ल्यू जाना है, कहां जाना है हमें, एन से डब्ल्यू जाना है। एन से डब्ल्यू जाने के लिए देखो क्या रास्ता अपना सकते हैं, कि हम एन से पहले आई जाए, आई से पहले जी जाए, फिर जी से पी जाए और पी से डब्ल्यू जाए, यही रास्ता बनेगा। एन से हम आई जाए, जी से, एन से हम आई जाए, आई से जी जाए, जी से पी जाए और पी से डब्ल्यू जाए, यही रास्ता बनेगा वहां जाने। अब इनके बीच में हमें कौन कौन से साइन मिले, देखो जरा, हमें मिला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, परसेंटेज, एट द रेट और स्टार्स, ओ सॉरी हैश साइन, और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो साइन आएगा उसका आपको ऑपोजिट लेना पड़ेगा। मतलब अगर लास्ट में आपके पास आंसर में आपके पास एट द रेट आता है तो आप परसेंटेज लेंगे, अगर हैश आता है तो डॉलर साइन लेंगे, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते तो जो साइन है वही हम लेते। इनमें आप इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ भी चेंज कर लो, आपके अगर मन करे आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, कि आई से एन जाने में तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एन से आई जाने में क्या होगा, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब इक्वल टू ही है, तो वो भी सेम रहेगा। जी से आई जाने में क्या है, देखो जी से आई जाने में एट द रेट है, तो आई से जी जाने में क्या हो जाएगा, आई से जी जाने में एट द रेट के सामने वाला साइन यानी कि परसेंटेज साइन हो जाएगा। तो आप वहां भी चेंज कर सकते हो, आप लास्ट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तब, क्लियर। तो देखो अब इसके बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, तो हैश, एट द रेट, डॉलर और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो सभी साइंस हैं अगर वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, या तो ये तीनों साइन आए या फिर यही तीनों साइन आए, कोई भी ऑपोजिट साइन ना आए, तभी हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बन रहा है, तो देखो हैश है ये रहा, एट द रेट है ये रहा, लेकिन परसेंटेज इधर है, परसेंटेज इधर है, हैश और एट द रेट उधर है, दो ऑपोजिट साइन आ गए,
तो हम इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट जी और एन के बीच में, अब जी से एन जाना है तो क्या करें, जी से आई चलते हैं, आई से एन चलते हैं, जी से आई चलते हैं, आई से एन चलते हैं, दोनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो जो एक्चुअल साइन है वही साइन रहेंगे। तो कौन कौन से साइन मिले हमें, एट द रेट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एट द रेट, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी होगी, तो एट द रेट की होगी। ठीक है, तो एट द रेट उनके बीच में होना चाहिए जी और एन के बीच में, जबकि वहां पर उन्होंने क्या दिया, डॉलर, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर एट द रेट होता तब फॉलो करता, दोनों फॉलो नहीं कर रहे, तो नीदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस पे बेस्ड। तो ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इक्वल टू, फिर ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, डॉलर, परसेंटेज, हैश और एट। ठीक है, अब देखो क्या करना है इस वाले में, इसमें हमें यू से डी जाना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी इसको आप पॉज कर लेना, एक क्वेश्चन आप समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करना, फिर इस वीडियो को रिज्यूम करना। ठीक है, तो यू से वाई जाना है, तो यू से वाई जाने के लिए देखो क्या करें, हम यू से डी चलते हैं, डी से ई चलेंगे और ई से वाई जाएंगे, यही बात है, यू से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे और ई से वाई जाएंगे, तीनों में ही हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो साइन है उन्हीं को देखते हैं, कौन कौन से साइन मिले हमें, हमें मिला हैश, एट द रेट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, तीनों एक ही लाइन में, बिल्कुल ठीक है, रिलेशन निकाल सकते हैं। कौन सा रिलेशन आएगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी होती है, एट द रेट, यानी कि इस वाले साइन की होती है, तो एट द रेट आना चाहिए, तो एट द रेट है, बिल्कुल ये वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें आप साइन रिप्लेसमेंट से भी कर सकते हो, आप उससे ट्राई करना और फिर कंपेयर करना कि किसमें आपको कम टाइम लग रहा है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है जब प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अब हमें जाना है डब्ल्यू से डी, तो डब्ल्यू से डी जाने के लिए हम क्या करें, देखो डब्ल्यू से वाई चलते हैं, वाई से ई चलते हैं और ई से डी चलते हैं। ठीक है, तीनों में ही हम क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे, लास्ट में चेंज कर लेंगे एक साथ, अगर इंडिविजुअली करोगे तब भी वही बात है, या फिर इंडिविजुअली से एक साइन पर आ जाओ उसके बाद चेंज कर लेना लास्ट में, तब भी एक ही बात है। तो हमें क्या क्या चीजें मिली डब्ल्यू से डी जाने में, पहले हमें मिला डब्ल्यू से वाई गए, ठीक है, तो वाई जाने में हमें क्या मिला, डॉलर, फिर हम वाई से ई गए तो हमें क्या मिला, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर ई से हम डी गए तो हमें क्या मिला, एट द रेट। ठीक है, तो देखो यहां पर एट द रेट, यहां पर हमारा एट द रेट, हाँ ठीक है, एट द रेट और हमारा क्या है, डॉलर साइन, ये क्या है, ऑपोजिट है, देखो ये दोनों ऑपोजिट, यहां पर इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं, तीन क्वेश्चंस तो इसी के हैं, वो आप ट्राई कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर मेंशन करना, ताकि मैं एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। इसके अलावा एक सेट इसका और है, वो भी आपको इस वीडियो के इस पीडीएफ में मिल जाएगा, इस लेक्चर की, तो ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना ताकि आप एक प्रैक्टिस में आ सको। इसके अलावा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, टारगेट आईबीपीएस एएफओ के नाम से ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये मेथड अच्छा लगा आपको, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। राइट, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।